हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत, आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। कमजोरी और अलग अलग टॉपिक हम लोग ले रहे हैं और पब्लिक डिमांड है। Sure. और पब्लिक डिमांड की वजह से हम अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस सभी एपिसोड्स Sure. में। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, पिरोनिज प्लेक, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले ये Yes. पिरोनिज प्लेक का मतलब क्या होता है? Yeah. ये क्या होता है एक्चुअली? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखते हैं। साइंटिफिक है, भले डिफिकल्ट भी हो, लेकिन आपके लैंग्वेज हम सिंपल करके बताएंगे जी। सेक्सुअल डिसफंक्शन है, पेनिस के साइज है, आकार है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, इस सब के बारे में हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नोन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। पिरोनिज प्लेक, पहले तो पता होना चाहिए क्या है। भाई सिंपल आप हिंदी में बोलेंगे तो भाई लिंग में जो कुछ गांठ आती है और उसकी वजह से लिंग कुछ टेढ़ापन आता है, तो गांठ को कहते हैं पिरोनिज प्लेक। तो एक क्यों बनता है, वो कैसे बनने के बाद उसे क्या करना चाहिए, वो कोई सेक्स में दिक्कत लाता है क्या, ऐसी गांठ यहाँ पे क्यों बनती है देखेंगे। और सर, लेकिन अभी आपने बताया कि वो गांठ को पिरोनिज प्लेक कहते हैं, लेकिन ये कैसे समझे कि वो गांठ पिरोनिज प्लेक की ही है? निदान कैसा करे? करेक्ट। देखो कॉमन हिस्ट्री आती है पेशेंट की, सर पिछले समय कब उसको ट्रॉमा हुआ था, मार लगा था और वहाँ पे जरा थोड़ा सा हार्डनेस आ रहा है, या कोई डायबिटीज वाला रहता है बोलता है सर ये ऊपर वाले हिस्से में पूरा एकदम हार्ड हार्ड कड़क हो गया और मेरा इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तीसरी बात, हम सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी करने में के बाद वहाँ पे कैल्सिफिकेशन स्टोन की वजह से वहाँ पे हाइपर इकोइक ऐसे दिखते हैं स्पॉट्स, को लोकल रहेंगे या पूरे लेंथ में रहेंगे। तो पेशेंट की हिस्ट्री, लोकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफी से बस हो गई उसके लिए, ऐसा होता है इसका डायग्नोसिस जी। बिल्कुल सर, दर्शकों के फोन आना शुरू हुआ है। मुरली जी है बेंगलोर से, उन्हें सवाल करना है। मुरली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, अष्टमैथुन ज्यादा करने से लिंग में गांठ आ गई है, तो उसे क्या करें? हाँ, अभी डायग्नोसिस उन्होंने ही कर दिया। हस्तमैथुन ज्यादा करने से गांठ आ गई, भाई इसका कोई रिलेशन होता है क्या? रहता है प्रशांत जी, कैसे बहुत विगरस हस्तमैथुन करने की आदत, कैसे कैसे करते हैं हस्तमैथुन? एक तो बहुत बड़े प्रेशर से उसको अपने थाइस के ऊपर या पेट के ऊपर दबाते हैं, दूसरी जब वहाँ पे जमीन होगी या आपका बेड होगा उसके ऊपर रगड़ते हैं, तीसरी बात उसको पकड़ के टेढ़ा करते हैं। ऐसे प्रकार करने के बाद कैसे वो पेनिस अच्छा रहेगा? वहाँ पे होता है छोटा माइक्रो फ्रैक्चर, वहाँ पे माइक्रो ब्लीडिंग होती है, शर्म के मारे किसको दिखाना नहीं, बाद में वहाँ पे जमा हो जाता है कैल्शियम और ऐसे मेथड से ये प्लाग बनना चालू होता है, बाद में उसको बेंड करेगा, पेन करेगा, हस्तमैथुन क्रिया करते वक्त दर्द भी करेगा। तो उसी वक्त उन्होंने स्पेशलिस्ट सेक्सोलॉजी वाले चैनल उसको दिखाना है और उसका हल लेके वो जो प्रॉब्लम है सॉल्वेबल है, सॉल्व करना चाहिए जी। अभी सर इसका जो निदान, डायग्नोस जिसे हम लोग करते हैं, कहते हैं, तो वो डायग्नोस कैसे करते हैं?
चलेगा, बोलते हैं इसके ऊपर। अभी यहाँ पे दो प्रकार है, यहाँ पे एक तो क्लिनिकल हो गया, अभी पेशेंट आके हमें बोल रहा है ऐसा टेढ़ा हो गया, सब हो गया, लेकिन साइंटिफिकली समझो हमें जब उसके ट्रीटमेंट देना है तो उसके पहले कुछ एविडेंस, भाई यही पेरोनिस प्लेक है, क्योंकि सर्जरी के पहले तो हमें ये करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और कुछ ना हो वहाँ पे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर डॉपलर और अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या दिखता है उसके अंदर फाइंडिंग। एक तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो गया, वहाँ पे जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है उसका थिकनिंग हो गया, वहाँ पे कर्वेचर या बेंड हो रहा है, जब हम इरेक्शन के लिए उसे कुछ सिलनाफिल वगैरह देखे टेस्ट करेंगे तो बेंड हो रहा है। तो इस तरह क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, कलर डॉपलर है, ये तरह से उसे हमें डायग्नोस करना है और अकॉर्डिंगली उसके आगे जाके हमें ट्रीटमेंट देना है। जी सर, अब बात है ट्रीटमेंट के ऊपर, कि इसके जो ट्रीटमेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग पार्ट है, तो ट्रीटमेंट कैसे होती क्या होती है यहाँ पे बहुत काफी लोगों को कंफ्यूजन है, हर एक जन अपने अपने लेवल पे ट्राई करता है, लेकिन साइंटिफिक क्या है फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ। ये देखो ऐसा बेंड कुछ दवा भी आया मेडिसिन लेके अच्छा नहीं होता, ये पहले ध्यान में रखो। कोई विटामिन ई दे रहे, कोई B12 दे रहे, कुछ ए खाओ वो खाओ, कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम है। अभी इसे क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट इवन कुछ उसे लिथोड्रिप्सी या कुछ वाइब्रेशन ऐसा करके भी वहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। टिश्यू प्रॉब्लम है वहाँ पे, टिश्यू प्रॉब्लम जो है फाइब्रोज हुआ है वहाँ पे, कैल्सिफिकेशन हुआ है, उसे डिजॉल्व करना है भाई, तो पी शॉट इंजेक्शन थेरेपी, इसकी डिटेल हम देखने वाले हैं। तो इंजेक्शन वहाँ पे देने के बाद फाइब्रोजेनेसिस, बाकी वास्कुलोजेनेसिस ये सब कुछ होता है, वो कैसे देते हैं क्या नहीं देखेंगे, और उससे भी आगे समझो बेंड उतना नहीं हुआ। देखो यहाँ पे पूरी स्ट्रेट लाइन तो आपको नहीं मिलने वाली, लेकिन इतना स्ट्रेट हो जाए खुद को पेन ना हो या सामने वाले को भी कुछ पेन ना हो, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसके आगे वाली ट्रीटमेंट रहती है सर्जिकल लेयर ट्रीटमेंट, जिसमें कि उसे एक्सरसाइज करके निकाल के डर्मल ग्राफ्ट डालते हैं, जरूरत पड़े तो बहुत बार पेनाइल इम्प्लांट भी लग सकता है। जी बिल्कुल सर, हमारी फीमेल दर्शक है लेते, उन्हें पूछना है। पुणे से ममता जी है, उन्हें सवाल करना है। ममता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? ममता जी मेरा आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, बोलिए। सर पार्टनर कर्लिंग दे रहा है और सुमन करते वक्त दर्द होता है, तो क्या करें? यही सब्जेक्ट को आगे लेते हैं, कॉम्प्लिकेशंस उसके क्या रहते हैं भाई। यहाँ पे मेल को तो लगेगा भाई चलो थोड़ा सा बैंड है जाना तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं रहता है। मेल को भी पेन हो रहा है, इरेक्शन में दिक्कत हो रही है। फीमेल में क्या होता है, एंगल बदलने से जो टिप ऑफ पेनिस है वो रॉन्ग डिरेक्शन में हिट होता है, फॉरनेसिस में हिट होता है, बहुत बार जब पेनिट्रेशन एंट्री करते हो उस वक्त वहाँ पे पेन होता है। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली इसे ट्रीटमेंट लगती है, भाई खुद को ही पेन हो रहा है इससे ज़्यादा अपने पार्टनर को भी हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो एक्सेप्ट करो भाई ऐसा है, एक्सेप्ट ही नहीं करते, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका पार्टनर आपको लेके आता है, मेरे सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है क्या करे, तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है। तो डेफिनेटली पेरोनिस प्लेक को आइदर पी शॉट या सर्जरी करके अच्छा करके उसे हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सर, पिछले एक एपिसोड में हमने पी शॉट थेरेपी के बारे में डेफिनेटली सुना है, जानकारी ली थी। तो ये जो पी शॉट थेरेपी है, ये पेरोनिक प्लेग जो जैसी जो बीमारी है कह सकते हैं, उसमें यूजफुल है क्या और क्या रोल है? डेफिनेटली ये तो हमने तो कहा है भाई दवा लो, मेडिसिन लो, टैबलेट खाओ, भाई वहाँ पे थोड़ी जाने वाली है टैबलेट। तो यहाँ पे क्या रोल रहता है पी शॉट थेरेपी, जिसे हम बोलते हैं प्लेटल रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये जो प्लेटलेट्स हम उसे एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स है, इंटरफेरॉन्स है, इवन कॉर्पोरल डेवलपमेंट तो काम में आती है, लेकिन वहीं पे उसी जगह पे जहाँ पे सप्लाई डिफिशियंट है, कैल्सिफिकेशन है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट तैयार होते हैं, न्यू वास्कुलोजेनेसिस, न्यू न्यूरोजेनेसिस, न्यू फाइब्रोब्लास्ट, ये सब तैयार होने की वजह से वहाँ का टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है और वहाँ पे डिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन इससे भी नहीं हुआ तो फिर आगे आती है सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, और उसी के ऊपर मैं भी आने वाला था। आखिरी सवाल है कि कौन सी सर्जरी है जो यहाँ पे करनी पड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन देना रहता है पेशेंट को, भाई ऐसे केसेस में जब प्लाक बड़ा होगा कहाँ तो भी पूरा 12 o'clock की पूरा का पूरा रीजन निकालना पड़ता है नोर के नीचे से, तो ऐसे केसेस के बाद उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो हमें पहले उसे ये इन्फॉर्मेशन देनी है, भाई हम तो मैक्सिमम ट्राई करेंगे बाद में इरेक्शन अफेक्ट ना हो, सर्जरी में उसे पूरा वहाँ का पैच निकाल के
डर्मल ग्राफ्ट है, ट्यूनिका अल्बजूनिया ग्राफ्ट है, स्किन ग्राफ्ट जो डर्मल अभी बोला वही ग्राफ्ट रहता है, रिवर्स स्किन करके लगाते हैं, उससे वो सॉफ्टनेस आ जाता है। लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़े तो उसे पेनाइल इम्प्लांट भी लग सकता है। ये इंस्ट्रक्शन देके ये सर्जरी हमें करना है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट जिन्हें एक्सपीरियंस है ये करने में, उनका ही सलाह मशवरा करके पेरोनिस प्लेक, टेढ़ा लिंग, बेंड पेनिस, ये जो पोजिशन है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज के एपिसोड में भी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं या डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी डॉक्टर साहब के नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स दिख रहे हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस है और सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं। अगर पॉसिबल है तो आप सेंटर्स के वहाँ पर जा सकते हैं और प्रत्यक्षता डॉक्टर साहब से मिल भी सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।